प्यारी सी अपडेट के साथ नर्सिंग एम आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज इसमें बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग की जो यूट्यूब बेसिस पे भर्तियां निकल रही है उनके दस्तावेज सत्यापन की लिस्टें भी जारी हो रही है हर जिले वाइज। तो आज और एक जिले की लिस्ट है वो जारी हुई है, जो सबसे बड़ा जिला है जयपुर जिला, उसकी सेकेंडरी लिस्ट है वो जारी हुई है एनएम की। तो एनएम की जो लिस्ट जारी हुई है उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर जरूर करें। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल बना रखा है नर्सिंग एम से, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और क्रोम ब्राउज़र में आपको लिखना है जयपुर डॉट राजस्थान डॉट जी ओ वी डॉट इन। जैसे आप लिखोगे फिर आप सर्च करोगे तो आपके सामने ऐसी वेबसाइट है ओपन हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जयपुर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो हर वेबसाइट है आप ओपन कर सकते हो। जैसे पाली के है तो पाली डॉट राजस्थान लिख दो, उदयपुर है तो उदयपुर डॉट राजस्थान, बीकानेर तो बीकानेर डॉट राजस्थान, बाड़मेर है तो ऐसे आप उस जिले का नाम लिख और डॉट राजस्थान डॉट जी ओ वी डॉट इन लिख दीजिए। तो आपके सामने जो वेबसाइट है जिले की वो ओपन हो जाएगी। फिर आपको इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे, ये नीचे की ओर स्क्रॉल कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके सामने फिर से तो ये ओपन, ये गवर्नमेंट ऑफ ऑर्डर लिखा होगा, वीओ लिखा होगा 2 अक्टूबर। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ यूटीबी एनएम सेकंड लिस्ट, तो एनएम की सेकंड प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी की है, ये 27 तारीख को आएगी। प्रोविजनल लिस्ट ऑफ रेडियोग्राफर की, और ये प्रोविजनल लिस्ट आई थी लैब टेक्नीशियन की 27 तारीख को, और ये एनएम की फर्स्ट लिस्ट आई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 27 तारीख को, और ये लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यूटी फार्मासिस्ट की, और ये कार्यालय के नाम पर लोगों ने पैसे देने की शिकायत आई थी। तो आज जो लिस्ट पर चर्चा करने हैं वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यूटी सेकंड लिस्ट के बारे में। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो व्यू अटैचमेंट लिखा होगा, तो व्यू अटैचमेंट पे आपको क्लिक करना है। हमने दोस्तों पहले ऑलरेडी डाउनलोड की थी, तो फिर ऐसे आपको डाउनलोड करके बता रहे हैं, और ये आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में उस पर मिल जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन होगी दोस्तों। तो राजस्थान सरकार कार्यालय मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम की ये लिस्ट है दोस्तों, 2/10/2023 कल शाम को ही ये रिलीज हुई है, मिनी स्वास्थ्य भवन सेठी कॉलोनी, और ये इसके क्रमांक है, द्वितीय सूची एनएम की जारी की है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 3/10/2000 को प्रातः 10 बजे, मीटिंग हॉल कमरा नंबर 8, कार्यालय मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम सेठी कॉलोनी में रखा गया है। तो इसमें आपको 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटो व समस्त दस्तावेज और सबकी सेल्फ अटेस्ट करके फोटो कॉपी साथ में लेके जानी है, ठीक है साथियों। और आपका इसमें 10वीं के परसेंटेज और जो आपके एनएम के परसेंटेज है उनका 70% दिया जाएगा, और अनुभव 30%, सबसे अधिकतम 30% बोनस अंक है। जैसे 10, 20, 30 है, 2 साल का है तो 1 साल का है 20, 2 साल के 20 और 3 साल के 30 बोनस अंक हैं, और जो सीएचसी हैं कोविड हेल्थ असिस्टेंट हैं उनको 15 बोनस अंक का प्रावधान है। तो ये परसेंटेज का रेशो है, परसेंट मेरिट बेसिस के आधार पे ये भर्ती है। और दोस्तों, आवेदनों की मेरिट सूची व कट ऑफ दस्तावेज सत्यापन के परिणाम पर निर्भर रहेगी। दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थी को पुनः अवसर नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अगर इसमें एबसेंट रह जाते हैं तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। लिस्ट भी दोस्तों लेट निकाल ली है, तो कुछ इसमें स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं है। दस्तावेज दिन बुलाए गए, तात्पर्य आवेदन की प्रत्यक्ष जांच करना है, वह किसी रूप मेरिट में चयन नहीं किया जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट है वो पहुंच भी नहीं सकते हैं। ये दोस्तों वेबसाइट है, आप बताते हैं, और ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे फोटो लगानी है, यूटीबी एनएम के दस्तावेज सत्यापन हेतु
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यहाँ पे आपका नाम लिखना है, या पिता का नाम, जन्मतिथि, गृह जिला जिस जिले से हैं, स्थायी पता, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अंक तालिका का विवरण देना है, 10th के परसेंटेज, पूर्णांक और इसमें एनएम के रजिस्ट्रेशन नंबर और वर्ष लिखना है, अगर मैरिज है तो संतानों की संख्या और दिनांक लिखनी है और घोषणा है, यहाँ पे स्थान लिख देना है किस जिले से हैं और यहाँ अपने साइन करने हैं, और ये कार्यालय उपयोग हेतु है तो आपको इसमें कुछ नहीं भरना है। तो ये लिस्ट है दोस्तों, सॉरी। तो ये आपको कार्यालय उपयोग हेतु है, ये आपको नहीं भरना है। और जो जो बहनें सेलेक्ट हुई है यूट्यूब में, उनको नर्सिंग एम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये सीरियल नंबर दे रखा है, ये कैंडिडेट नेम है, ये फादरी हस्बैंड नेम दे रखा है, ये डेट ऑफ बर्थ, ये जेंडर कैटेगरी और स्पेल कैटेगरी, अप्लाई फॉर पोस्ट, 70% का एवरेज, नेम ऑफ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपीरियंस। तो पहले 250 की लिस्ट आई थी, 250 कैंडिडेट की फर्स्ट लिस्ट आई थी, अब है 251 के बाद 524 कैंडिडेट को बुलाया गया है। और ये रॉन्ग एंट्री है, इनका परिणाम रोका गया है, रॉन्ग एंट्री दी है इन्होंने, गलत सूचनाएं दी है तो इनका परिणाम रोक दिया गया है। और ये परसेंटेज दे रखा है कि किसी हॉस्पिटल में इन्होंने वर्किंग किया था। तो दोस्त, तो सभी बहनों को नर्सिंग एम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल बना रखा है तो उसमें मिल जाएगा, लिस्ट है वो कल रात को ही अपडेट हुई है, तो कोई कुछ वर्किंग के कारण हम आपको अपडेट नहीं दे पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो नर्सिंग की, जैसे नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट भी आने वाली है, जैसे ही कोई और नई अपडेट आएगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो ये एनएम की सेकंड डिवी लिस्ट है जयपुर जिले की, जो जारी कर दी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो शुरू हो गए हैं। तो मिलते हैं ऐसी प्यारी सी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।